Hello students, now today we will start with a new topic, right? In last lecture we have done entire part about what business, and today we are going to deal with what profession and employment. आज हम profession और employment के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, right? So as a commerce student आपको proper knowledge होना चाहिए, conceptual knowledge होना चाहिए, exactly profession का मतलब क्या होता है और employment का मतलब क्या होता है. Now profession, जैसे मैंने आपको कुछ दो तीन लेक्चर्स जो हमारे लास्ट में गए उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली प्रोफेशन का मतलब क्या होता है. सी प्रोफेशन एक प्रकार का वर्क है, एक प्रकार का काम है. हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था ह्यूमन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीन पार्ट्स है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया, आज हम देखेंगे प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में. अब प्रोफेशन एग्जैक्टली होता क्या है? सी, जब भी शब्द प्रोफेशन आपके दिमाग में है ना, तो पहले ये ख्याल आना चाहिए डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, दे आर कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल. जो व्यक्ति प्रोफेशन में काम करेगा ना, उस व्यक्ति को प्रोफेशनल कहेंगे, और जो उसका काम है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशन. जैसे वकालत करना एक प्रोफेशन होता है, लेकिन वकील खुद कौन होता है? प्रोफेशनल. टीचर को अगर आप पूछोगे कि टीचर आप क्या काम करते हो, तो टीचर नॉर्मली क्या काम करता है? टीचिंग देना, टीचिंग प्रोवाइड करना. तो टीचर को कहा जाएगा प्रोफेशनल, जबकि उसके काम टीचिंग को क्या कहा जाएगा? प्रोफेशनल. तो हमेशा रखो बच्चों, टीचर हमेशा कौन से प्रोफेशन में काम करता है? टीचिंग. सो टीचिंग उसका प्रोफेशन है. बेसिकली किसी भी वर्क को, किसी भी काम को हम प्रोफेशन कैसे कहेंगे? कोई भी काम करने पर अगर आपको फीस मिलता है, कोई भी काम करने पर अगर आपको फीस मिलेगा, तो बच्चों उस काम को हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशन. डॉक्टर जब पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है तो उससे बदले में क्या मिलता है? फीस मिलता है. टीचर स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता है तो उसे बदले में क्या मिलेगा? फीस मिलेगा. लॉयर भी, एडवोकेट भी जब अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ने जाता है तो उसे बदले में उसके क्लाइंट से उसे क्या मिलता है? फीस. मतलब किसी भी प्रकार के काम करने के बाद अगर आपको फीस मिलती है तो उस काम को क्या बोलते हैं? प्रोफेशन. और काम करने वाले उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल. तो आइए हम पहले देखते हैं कि वो जो प्रोफेशन है उसके क्या क्या फीचर्स हैं. ए, सी, पहले से आप दिमाग में सेट कर लीजिए, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों किसके पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और इकोनॉमिक एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं किस पर्पज के लिए? इनकम को अर्न करने के लिए. तो इनकम को कमाने के लिए जो काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है ना? तो प्रोफेशन का एम क्या होगा? इकोनॉमिक. प्रोफेशन खुद एम क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. एम का मतलब होता है उद्देश्य, एम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट. सो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशन इज टू अर्न इनकम, इज टू अर्न मनी, पैसे कमाना, ये का मेन उद्देश्य होता है. डॉक्टर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर प्रोफेशनल, दे आर इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशन, दे डू, दे परफॉर्म देयर सर्विस, दे परफॉर्म देयर वर्क जस्ट टू गेट व्हाट इनकम, इनकम कमाने के लिए ये सारे काम वो करते हैं. नंबर टू, क्वालिफिकेशन. यस ऑफ कोर्स, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उन्होंने अपने अपने फील्ड में क्या लिया होता है? क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन का मतलब होता है एजुकेशन, एक स्पेसिफिक एजुकेशन लेना पड़ता है. लॉयर को लॉ का नॉलेज लेना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को राइट जितना भी अकाउंट्स है या टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज लेना पड़ता है. क्वालिफिकेशन उनको प्राप्त करना पड़ता है, उनका जो एजुकेशन है वो अपने क्षेत्र में लेना पड़ता है. डॉक्टर को मेडिकल नॉलेज लेना पड़ता है, ठीक है ना? तो डॉक्टर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे हैव टू टेक देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल नॉलेज, राइट? और एक बात याद रखना बच्चों, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे जितने भी प्रोफेशनल होते हैं ना, वो सारे के सारे प्रोफेशन को मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी होती है. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये सीए को मॉनिटर करते हैं. ये सीए जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंट्री में होते हैं ना, उन सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये ICAI की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है. इनडायरेक्टली ICAI कीप अ वॉच ओवर क्या? सीए. उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जितने भी एडवोकेट्स होते हैं, राइट,
जितने भी एडवोकेट्स होते हैं, जितने भी लॉयर्स होते हैं ना, उन सारे एडवोकेट्स के ऊपर, उन सारे लॉयर्स के ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बराबर कड़ी नजर होती है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एवरी प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रोफेशनल डिग्री. उनको प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ती है. जो व्यक्ति सीए बनता है वो आईसीएआई की सीए की डिग्री लेता है. जो व्यक्ति एडवोकेट बनता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिग्री लॉ की लेता है. जो व्यक्ति डॉक्टर बनता है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की डिग्री लेता है. सो हर एक व्यक्ति जो प्रोफेशन में जाना चाहता है उसे उस प्रोफेशनल बॉडी की उनको क्या लेनी पड़ती है, डिग्री लेनी पड़ती है. डिग्री लेने का मतलब ये होता है कि उनको वो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है. सो हमेशा आपने देखा होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंट्स में, टैक्स में स्पेशलाइज होता है, एक्सपर्ट होता है. डॉक्टर मेडिकल नॉलेज में एक्सपर्ट्स होता है. लॉयर एडवोकेट्स ये हमेशा लॉ के क्षेत्र में क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं. बट उनको उनकी बॉडी के द्वारा जो एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है वो एग्जाम्स उनको क्या करनी पड़ती है, क्लियर करनी पड़ती है. तब जाके वो क्वालिफाई हो जाते हैं, तब जाके उनका वो एजुकेशन कंप्लीट होता है. सो एवरी प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू फर्स्ट कंप्लीट देयर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन का मतलब एजुकेशन पहले पूरा करना पड़ता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र का. नेक्स्ट फाइनेंशियल रिटर्न. यस, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो जो व्यक्ति प्रोफेशन में होगा उसको फाइनेंशियली जो रिटर्न मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, इनकम जो जनरेट होगी, उनको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं, फीस. डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब अपनी सर्विस परफॉर्म करते हैं, राइट, तो बदले में जो उनको इनकम मिलती है उनको फीस बोलते हैं. नंबर फोर, कैपिटल. नाउ जितने भी जो प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे लॉयर्स हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, ये सारे के सारे प्रोफेशनल्स दो तरीके से काम कर सकते हैं. आइदर दे कैन डू अ जॉब, जैसे डॉक्टर MBBS बनने के बाद किसी हॉस्पिटल में एज अ एम्प्लॉय जॉब कर सकता है, या तो वही MBBS अपनी खुद की डिस्पेंसरी भी स्टार्ट कर सकता है. अच्छा, जो MBBS अपनी खुद की डिस्पेंसरी स्टार्ट करता है ना, इज डूइंग व्हाट, अ प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, ऐसा कहा जाता है. सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अगर चाहे तो रिलायंस, टाटा, इंफोसिस ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर सकता है, और अगर वो चाहे तो वो अपनी खुद की अलग से सीए की ऑफिस भी ओपन कर सकता है. उसे कहा जाता है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो यहाँ पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो लॉयर्स, जो डॉक्टर खुद की ऑफिस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको कैपिटल लगाना होगा. कैपिटल का मतलब क्या, बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो पैसा लगाया जाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं. मतलब कोई भी डॉक्टर जब डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है और जब अपना खुद का डिस्पेंसरी स्टार्ट करेगा, खुद का जब डिस्पेंसरी स्टार्ट करेगा तो उसको बोलो कैपिटल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा. कैपिटल लगेगा मतलब उसको एक अमाउंट अरेंज करना होगा, उस अमाउंट से वो अपनी पूरी डिस्पेंसरी ओपन कर पाएगा. सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जब वो सीए बन जाता है और जब वो सोचता है कि मैं अपना खुद का ऑफिस स्टार्ट करूँ, जहाँ पर उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स के या ऑडिट के काम कराने के लिए उनके पास आएंगे, तो उन्हें भी एक ऑफिस बनाने के लिए अपने घर से कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा. तो जो पैसों का इंतजाम वो करता है उसी को बोलो क्या बोलते हैं, कैपिटल. चाहे 2 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, जो भी एक फिक्स अमाउंट उसे अरेंज करनी होगी और उस अमाउंट के बलबूते ही वो अपने ऑफिस को स्टार्ट कर सकता है. यस, जो प्रोफेशनल अपना खुद का प्रैक्टिसिंग ऑफिस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको कैपिटल लाना होगा, और जो प्रोफेशनल्स कहीं पर जॉब करने जाएंगे उनको कैपिटल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी कहीं पर जॉब पे जा रहे हैं तो सीधा उनका डे वन से उनका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा. नंबर 5, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप. यस, ये पॉइंट एक्सक्लूसिवली उन प्रोफेशनल के लिए जो लोग प्रैक्टिसिंग करना चाहते हैं. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये कैपिटल का पॉइंट एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको बताया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास 2 चॉइस होती है, या तो अपनी खुद की ऑफिस स्टार्ट करेगा या तो वो कहीं पर जॉब करने जाएगा. अगर वो कहीं पर जॉब करने जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यस एक बात है कि वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सीए बनने के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आईसीएआई के पास उसके पास जाके उसे क्या करना पड़ता है, अपने आप को वो ही बिकम द मेंबर्स ऑफ आईसीएआई. सो वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू बिकम द मेंबर ऑफ आईसीएआई, आप मेंबर बन जाते हैं. आप अपने आप को क्या करवा लोगे, रजिस्टर करवा के ले लोगे. तो जब आप रजिस्टर हो जाओगे आईसीआई के साथ तो आपका जो पूरा डिटेल्स है वो आईसीआई के पास रहेगा. सिमिलरली इफ यू बिकम अ एडवोकेट सो वंस यू बिकम एडवोकेट देन योर डिटेल गेट्स रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड दे विल प्रोवाइड यू लाइसेंस टू स्टार्ट योर
own office. Similarly, in ICI also, once you take the membership number, right, once you register yourself, then you will get a license, and on the basis of that license, you can start your own practicing office. You can start your own office. Next, non-transferability. Yes. See, a person who is a chartered accountant, let's say for example, अगर कोई मिस्टर ए है जो सीए बन चुका है, वो अपनी ऑफिस ऑपरेट कर रहा है, मतलब उसका खुद का अलग से ऑफिस है। मान लो कि कोई लॉयर है, मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर बी करके वो अगर लॉयर है, एडवोकेट है, हाँ, उसका अलग से ऑफिस है जहाँ पर उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं केस के सिलसिले में डिस्कशन करने के लिए। तो मिस्टर ए के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस है, मिस्टर बी के पास एडवोकेट की ऑफिस है, ये दोनों कौन है, प्रोफेशनल ही है। अच्छा, जब ये अपने जब इनके एज होने के बाद जब ये रिटायर हो जाते हैं, तो क्या ये अपने पूरे बिजनेस को अपने किसी भी रिश्तेदार को या अपने बेटे या बेटी को बोलो ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है या ऑलरेडी वो एडवोकेट नहीं है, क्या उसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे, क्या नहीं कर सकते। यू कैनॉट ट्रांसफ़र योर एंटायर प्रोफेशन टू समबडी एल्स हु इज़ नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, हु इज़ नॉट एडवोकेट, वही लिखा है नॉन ट्रांसफरबिलिटी। You cannot transfer your job, you cannot transfer your work to somebody else who is not chartered accountant, who is not an advocate. And last point, nature of work. Yes, every professional are specialized in their own respective field. वो अपने field में specialized होते हैं, उनका जो nature of work होता है वो determine करता है, वो depend करता है कि वो किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे chartered accountant जो होता है उसका nature of work किस से related होगा, accounts, tax, income tax, GST, etc. जो lawyer होगा उनके जो अलग अलग जो law के related जो cases होते हैं उसके related उसका job रहेगा, उसके related उसका nature of work रहेगा। एक बार ये सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। क्या आपको समझ में आया प्रोफेशन एग्जैक्टली क्या था? प्रोफेशन एक वर्क है और जो व्यक्ति ये प्रोफेशन करेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल बोलते हैं। डॉक्टर प्रोफेशनल है लेकिन डॉक्टरी प्रोफेशन है, ठीक है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल है लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी वो क्या उसका एक प्रोफेशन है। टीचर एक प्रोफेशनल है लेकिन टीचिंग उसकी क्या है, प्रोफेशन है। जितने भी जो भी प्रोफेशन में काम करेगा राइट, उसके फीचर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एम, एम का मतलब ऑब्जेक्ट। चलो, किसी भी प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनकम अर्न करना। नंबर टू, क्वालिफिकेशन। जो पर्सन प्रोफेशन में आना चाहता है उस पर्सन को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से राइट एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन पहले पूरा करना होता है, उसके बाद ही वो प्रोफेशन में आ सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के एग्जाम्स पास करके प्रोफेशन में आता है, एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एग्जाम्स होती है वो कंप्लीट करके फिर वो लॉयर बन के अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करता है, बट एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन देना पड़ता है। फाइनेंशियल रिटर्न, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने प्रोफेशन में जब काम करते हैं तो बदले में उनको जो इनकम मिलती है उस इनकम को क्या बोलते हैं, फीस बोलते हैं। कैपिटल, अच्छा, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास दो चॉइस होते हैं, या तो कहीं पर जॉब करते हैं या तो वो अपनी खुद की ऑफिस स्टार्ट करते हैं। जो कहीं पर जॉब करते हैं उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर जो अपना खुद का ऑफिस स्टार्ट करते हैं तो कॉमन सेंस बच्चों, खुद की ऑफिस चालू करते समय उनको कुछ पैसे लगेंगे और जितने पैसे उनको लगेंगे बिजनेस जितने पैसे उनको लगेंगे उनकी ऑफिस स्टार्ट करने के लिए उनको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, वंस यू कंप्लीट द क्वालिफिकेशन देन यू बिकम द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, दैट पर्टिकुलर बॉडी फ्रॉम वेयर यू आर गिविंग द एग्जाम्स राइट। तो आपको आप जैसे एग्जाम पास कर लेते हो राइट, जैसे एडवोकेट्स जो होते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम्स देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो बनते हैं वो ICAI के एग्जाम्स देते हैं। सो वंस यू कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन ना देन यू बिकम द मेंबर ऑफ दैट बॉडी राइट। आप अपने नाम को अब आपके ऑफिस को क्या करोगे, उसके पास रजिस्टर करवाओगे, तो रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप का। नॉन ट्रांसफरबिलिटी, अ पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वंस ही गेट्स रिटायर देन ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज एंटायर ऑफिस टू समबडी एल्स हु इज नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट। Doctor, once he retire, then he cannot transfer his entire dispensary to somebody else who is not a doctor. So, profession cannot be transferable from one person to another person. Number 7, nature of work. Doctor ka nature of work alag hoga, chartered accountant ka nature of work alag hoga, lawyer ka nature of work alag hoga. Wo depend karta ki kis prakar ka kaam wo kar rahe hai. So, these all are the features of profession. अब बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको हम लोग आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलना चाहिए, जॉब, नौकरी। अ पर्सन हु इज डूइंग अ जॉब दैट पर्सन इज अंडर व्हाट, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार।
जो व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट में काम करेगा वो व्यक्ति को या तो मिलेगा सैलरी एंड वेजेस. एंड हियर इन दिस लेक्चर आई वांट टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी. अ पर्सन हु इज डूइंग हिज फिजिकल वर्क, अ पर्सन हु इज यूजिंग हिज फिजिकल क्वालिटी मोर टू अर्न इनकम, देन ही विल बी गेटिंग व्हाट वेजेस. एंड पर्सन हु इज यूजिंग हिज मेंटल क्वालिटी मोर, देन ही विल बी गिवन व्हाट अ सैलरी. रास्ते पे रोड खुदाई का जो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जो मजदूर लोग काम करते हैं, वो अपनी फिजिकल बॉडी का, फिजिकल क्वालिटी का ज़्यादा यूज करते हैं, तो उनको जो इनकम मिलती है उनको क्या मिलते हैं, वेजेस. लेकिन ऑफिसेस में, राइट, ऑफिसेस में जो लोग कंप्यूटर्स पे बैठ के काम करते हैं, अपने कैबिन में मैनेजमेंट रिलेटेड जो काम करते हैं, ये सारे ऑफिसर अपनी मेंटल क्वालिटी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको जो इनकम मिलती है, उनको जो पेमेंट दी जाती है, उनको क्या बोलते हैं, सैलरी. सो हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस. अ पर्सन हु इज यूजिंग मोर फिजिकल क्वालिटी, देन ही विल बी गेटिंग व्हाट, वेजेस. एग्जाम्पल, राइट, वर्कर हु इज डूइंग व्हाट, कंस्ट्रक्शन जॉब, हु इज डूइंग व्हाट, एक्चुअली रोड कंस्ट्रक्शन वर्क, राइट, ये सब लोगों को वेजेस मिलता है. एंड द पर्सन हु इज यूजिंग हिज मेंटल क्वालिटी मोर, देन ही विल बी गिवन व्हाट, सैलरी, उनको सैलरी मिलता है. एग्जाम्पल, ऑल दोज ऑफिसर्स हु आर वर्किंग इन एन ऑफिसेस, हु आर वर्किंग इन बैंक्स, हु आर वर्किंग इन सम अदर अदर सर्विस सेक्टर, ठीक है, दे विल बी गिवन व्हाट, अ सैलरी. अच्छा, यहाँ पर जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना, तो दो शब्द आते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉई. एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉई. एम्प्लॉयर का मतलब होता है बॉस और एम्प्लॉई का मतलब होता है वर्कर. आई रिपीट, एम्प्लॉयर का मतलब होता है बॉस, राइट, ओनर, राइट, कंपनी का जो ओनर है उसको हम लोग एम्प्लॉयर बोलेंगे, और जो वर्कर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज बोलते हैं. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. फीचर्स ए, चलिए, ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का. और इकोनॉमिक एक्टिविटी हम क्यों परफॉर्म करते हैं, इनकम अर्न करने के लिए. तो एम्प्लॉयमेंट का भी एम बोलो क्या होगा, इनकम अर्न करना. प्रोफेशन का भी एम क्या था, इनकम अर्न करना था. नंबर टू, क्वालिफिकेशन. सी, यहाँ पर दो बात है, अगर आपको स्किल्ड जॉब करना है, एक होता है स्किल्ड जॉब, एक होता है अनस्किल्ड जॉब. अगर आपको स्किल्ड जॉब करना है, स्किल्ड टैलेंट वाला जॉब, राइट, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है. एग्जाम्पल, सपोज अगर आप किसी बैंक में, अगर आप एक मैनेजर की पोस्ट पे काम करना चाहते हो, तो डेफिनेटली इट इज कॉल्ड एज अ स्किल्ड जॉब. सो फॉर दैट यू हैव टू बी अ कंप्लीट प्रॉपर क्वालिफिकेशन, मे बी एमबीए, मे बी चार्टर्ड अकाउंटेंसी. ठीक है, अच्छा, एक होता है अनस्किल्ड जॉब. अनस्किल्ड जॉब मतलब क्या, जिसमें ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टैलेंट की जरूरत नहीं है, जैसे ऑफिस बॉय, राइट, सफाई का काम करना, क्लीनिंग का काम करना, उसके लिए कौन सी टैलेंट की जरूरत होती है. ठीक है, इसे कहा जाता है अनस्किल्ड जॉब. स्किल्ड जॉब, अनस्किल्ड जॉब, तो क्वालिफिकेशन किसमें चाहिए, स्किल्ड जॉब में. अनस्किल्ड जॉब में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत होती नहीं है. नेक्स्ट, मॉनिटरी रिटर्न. चलो, यहाँ पर फाइनेंशियल रिटर्न क्या था, यहाँ पर फाइनेंशियल रिटर्न क्या था, फीस था. यहाँ पर मॉनिटरी रिटर्न क्या होगा, वेजेस एंड सैलरी. अ पर्सन हु इज यूजिंग हिज फिजिकल क्वालिटी मोर, ही विल बी गिवन वेजेस. एंड अ पर्सन हु इज यूजिंग हिज मेंटल क्वालिटी मोर, ही विल बी गिवन अ सैलरी. वेजेस एंड सैलरी का मॉनिटरी रिटर्न है ही है, बट इसके अलावा अगर आप कहीं पर एज ए एम्प्लॉई, एज ए वर्कर, एज ए स्टाफ, कहीं पर अगर आप काम करते हो किसी कंपनी में, बच्चों, इन एडिशन टू वेजेस एंड सैलरी, यू विल बी गिवन अ बोनस, यू विल बी गिवन सम फाइनेंशियल बेनिफिट्स. दे आर कॉल्ड एज ए इंसेंटिव्स. कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं. इंसेंटिव्स कहा जाता है उसे, इंसेंटिव्स का मतलब क्या, जैसे आपके घर से आपके ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस या ट्रांसपोर्टेशन इंसेंटिव्स. मान लीजिए आपके फैमिली का, आपका, सभी लोगों का इंश्योरेंस भी निकाल के वो देते हैं. जब वो इंश्योरेंस निकाल के भी देते हैं, तो इसे कहा जाता है कि एडिशनल फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देना. तो मॉनिटरी रिटर्न्स में दो बातें हैं, एक तो सैलरी वेजेस जो आपको आपके काम के लिए मिलने वाला वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं ना, उसे बोलते हैं इंसेंटिव्स, लाइक बोनस, ट्रैवलिंग अलावेंस, राइट, एंड मेडिकल अलावेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट है कैपिटल. देर इज नो नीड टू हैव अ कैपिटल. अगर आप एज अ स्टाफ, एज अ वर्कर, एज अ स्टाफ, एज अ ऑफिसर कहीं पर जॉब करते हो, कहीं पर नौकरी करते हो, तो आपको कोई कैपिटल की जरूरत होती नहीं है. प्रोफेशन में अगर आप खुद का ऑफिस चालू करते हो, तो आपको कैपिटल लगता है. बट अगर बच्चों, अगर आप कहीं पर जॉब करने जाते हो, वहाँ पर किस कैपिटल की जरूरत होती है, वहाँ पर कोई कैपिटल की जरूरत होती नहीं है. आपको वो कैपिटल
लगाने की जरूरत नहीं। वाई, उसका रीजन है, अगर आप कहीं पर जॉब करने जाते हो तो आपका जो बॉस है, आपका जो एम्प्लॉयर है, आप एम्प्लॉयी हो, आपका जो बॉस एम्प्लॉयर वो आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, आपको टेबल देगा, आपको कंप्यूटर्स देगा, आपको सारा सामान दे देगा, आपको खाली वहाँ पर आपका टाइम आपको देना है, राइट। तो उसके लिए आपको कोई कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, सो नो कैपिटल एट ऑल रिक्वायर इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन, देर इज नो नीड टू रजिस्टर विद एनी बॉडी। जैसे यहाँ पर सी ए बनने के बाद आई सी ए के पास, एडवोकेट बनने के बाद बार काउंसिल बैठने के पास आके आपको आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। वैसे यहाँ पर अगर आप एक एम्प्लॉई हो, अगर आप एक वर्कर हो, तो आपको कहीं पर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने जब जॉब ज्वाइन किया था तब आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, जॉब एग्रीमेंट करके, उसके अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, जैसे यहाँ पर भी नॉन ट्रांसफरेबिलिटी था, यहाँ पर भी नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। जब कोई व्यक्ति कहीं पर जॉब करता है, रिटायरमेंट के बाद उसका जो जॉब है वो उसके बेटे और बेटी को ट्रांसफर कर सकते नहीं है। पहले ऐसा होता था बट अभी नहीं होता है। अभी सारा का सारा जो जॉब है वो मेरिट बेसिस पे, मेरिट का मतलब होता है काबिलियत के बेसिस पे दिया जाता है। सो व्हेन यू आर डूइंग अ वर्क एज एम्प्लॉई इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, देन आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर योर रिटायरमेंट, योर जॉब कैन नॉट बी गिवन टू योर डॉटर और योर सर। डॉटर सर को ये ट्रांसफर नहीं होता है, सो एम्प्लॉयमेंट नॉन ट्रांसफरेबल है। लास्ट है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क मतलब टाइप ऑफ वर्क। ऑलवेज रिमेंबर, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेगा, एम्प्लॉयमेंट में अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो, जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के अंदर ही आपकी सैलरी और आपका जो पूरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो डिसाइड हो जाता है, और उस एग्रीमेंट के अंदर साफ साफ लिखा होता है कि आपको कौन कौन सा टाइप का काम करना है। तो योर नेचर ऑफ वर्क इज डिपेंड अपॉन योर टाइप ऑफ अ जॉब। आई रिपीट व्हाट आई स्पोक, योर नेचर ऑफ वर्क इज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ अ जॉब। आप किस प्रकार का जॉब वहां पर करने वाले हो उसके आधार पर आपका नेचर ऑफ वर्क डिसाइड होता है। एग्जाम्पल, अगर आपका जॉब है अकाउंटिंग का तो आपका अकाउंट से रिलेटेड नेचर ऑफ वर्क होगा। अगर आप एक ऑफिस बॉय हो तो ऑफिस बॉय का नॉर्मल वर्क होता है, राइट। अगर आप मान लो कि अगर मार्केटिंग का जॉब कर रहे हो तो आपका मार्केटिंग रिलेटेड जॉब होगा। तो योर नेचर ऑफ वर्क इज डिपेंड अपॉन योर टाइप ऑफ अ जॉब। मार्केटिंग मैनेजर का नेचर ऑफ वर्क मार्केटिंग होता है, अकाउंटेंट का जॉब क्या होता है, अकाउंटिंग रिलेटेड होता है। ओके, सो दीज ऑल आर द फीचर्स। एक बार रिवाइज करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जो भी व्यक्ति काम करने जाएगा, जो एम्प्लॉय बनेगा, जो वर्कर बनेगा, जो ऑफिसर बनेगा, जो स्टाफ रहेगा, उसका मेन एम क्या होता है, इनकम कमाना। क्वालिफिकेशन, दो टाइप के एम्प्लॉयमेंट होते हैं, दो टाइप के जॉब होते हैं। एक होता है स्किल्ड जॉब और एक होता है अनस्किल्ड जॉब। स्किल्ड जॉब के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, अनस्किल्ड जॉब के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। मॉनिटरी रिटर्न, व्हेन यू आर डूइंग वर्क, राइट, देन यू विल गेट आइदर वेजेस और व्हाट सैलरी, बट इन एडिशन टू वेजेस एंड सैलरी यू विल बी ऑल्सो गिवन व्हाट एडिशनल बेनिफिट लाइक ट्रैवलिंग अलाउंस, लाइक मेडिकल अलाउंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैपिटल, सो व्हेन यू आर एम्प्लॉइंग, व्हेन यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अरेंज एनी कैपिटल। आपको घर से कोई पैसा वहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल बी गिवन ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, बाय योर एम्प्लॉयर, बाय योर बॉस। तो अगर आप कहीं पर जॉब करने जाते हो तो आपको कोई कैपिटल वहाँ पर लगाना नहीं पड़ता है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो तो आपको किसी बॉडी के पास आकर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी संस्था के पास रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ, लेकिन इसमें ये पॉइंट में इतना याद रखो कि आपने जब जॉब ज्वाइन किया था तो आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ जॉब एग्रीमेंट। तो उस जॉब एग्रीमेंट में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो आपको खाली फॉलो करने होते हैं। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, यू डू योर वर्क वेरी कंफर्टेबली बट वेन यू गेट्स रिटायर, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो जाते हो, देन योर जॉब इज नॉट ट्रांसफरेबल टू योर सन और डॉटर और सम अदर रिलेटिव्स, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। एंड लास्ट, नेचर ऑफ वर्क, योर नेचर ऑफ वर्क इज डिपेंड अपॉन योर टाइप ऑफ जॉब। इफ यू आर मार्केटिंग मैनेजर देन योर नेचर ऑफ वर्क इज व्हाट मार्केटिंग, इफ यू आर अकाउंटेंट देन योर नेचर ऑफ वर्क इज व्हाट अकाउंटिंग, एंड सो ऑन। सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डन टू पार्ट, वन इज प्रोफेशन एंड अदर इज व्हाट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, राइट। मैं आपको एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप गवर्नमेंट के बुक में से भी लिख सकते हो, इसको एक बार पहले लिख कर लेते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।